हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो, जिन पे कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर, जो हमारा लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें एड्रेस गलत हो गया है, तो अब हमको आगे क्या करना चाहिए वो आप बता दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कम्प्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन की। अगर आपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और वो जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें एड्रेस गलत हो गया है और आपने अगर पेमेंट नहीं की है, तो उस एप्लीकेशन में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया है। उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। अब आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन एडिट LL ओनली इस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और जब कंफर्म करोगे नाम आ जाएगा आपका, उसके बाद कंफर्म करना है। और उसके बाद जो भी आपको करेक्शन करना है वो करेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो अगर आपने पेमेंट नहीं की है। और अगर आपने पेमेंट नहीं की है, उसको कैंसिल करना चाहते हो आप एप्लीकेशन को, कैंसिल भी आप कर सकते हो। इस पर कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हो। और अगर आपने पेमेंट कर दी अपने लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन की, उसके बाद अगर आप कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके बाद भी आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जो आपकी पेमेंट है वो भी चली जाएगी, वो पेमेंट आपके रिटर्न नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप दोबारा से लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट आपको दोबारा काटनी होगी। और अगर आपने पेमेंट नहीं काटी, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप करेक्शन भी कर सकते हो और उसको कैंसिल भी कर सकते हो एप्लीकेशन को। और अगर आपने पेमेंट काट दी है और आप उसको कैंसिल नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को ले जाना है और RTO में विजिट करना है, अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ ले जाने हैं और RTO में विजिट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर, ये जो मेरा एड्रेस है ये गलत हो गया है, कृपया इसको, इस एड्रेस को यहाँ पर करेक्शन करें, ये चीज़ इसमें करेक्शन होनी है एड्रेस में, तो वहाँ पर भी वो करेक्शन कर देंगे। अगर वहाँ पे करेक्शन नहीं करते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंटों को वहाँ पे वेरीफाई करवा लेना है और आपको वेट करना है आपके लर्नर लाइसेंस के अप्रूवल का। एक या दो दिन में अप्रूवल मिल जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपका जो लर्नर लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हुई है या नहीं। और जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगी ना, उसके बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लर्नर लाइसेंस को। इस पर प्रिंट लाइसेंस डिटेल पर क्लिक करके उसके बाद प्रिंट लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना है, और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको चेक कर सकते हो। अप्रूवल का दोस्तों आपको इस तरीके से पता लगेगा कि आपका लर्नर लाइसेंस अप्रूव हुआ या नहीं। जब इस पर क्लिक करोगे ना एप्लीकेशन स्टेटस पे आप, और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करोगे, तो नीचे आपको दिख जाएगा कि अप्रूव हुआ या नहीं, पूरा डिटेल उसमें नीचे दिख जाएगी, और ऊपर आपका लर्नर लाइसेंस नंबर भी लग चुका होगा। अगर लर्नर लाइसेंस नंबर लग गया है ना, इसका मतलब है कि अप्रूव हो चुकी है, और अप्रूव होने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और जिस डेट में भी आपको लर्नर लाइसेंस इशू हो ना, उस डेट के 1 मंथ बाद, उस डेट के 30 दिन बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है लर्नर लाइसेंस की, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। यानी जिस डेट में आपको इशू हुआ उसके 1 मंथ बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं 6 मंथ तक। और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई जब आप करोगे, उसके बाद जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, उस डेट में सभी डॉक्यूमेंट आपको RTO में ले जाने हैं और उनसे एक बार वो रिक्वेस्ट करनी है, सर ये एड्रेस मेरा गलत हो गया है, ये मेरे को करवाना है, इसमें ये करेक्शन करवाना है। अगर वो कर देते हैं तो ठीक, नहीं करते तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में ही कुछ दिन बाद, इसी में, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि आपका डिस्पैच हुआ है या नहीं। अगर आपका डिस्पैच हो गया है, ये जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन स्टेटस में अगर दिखा देता है अंदर आपको कि डिस्पैच हो चुका है, और डिस्पैच नंबर भी आपका लग जाता है, तो आप ऑनलाइन इंडियन पोस्ट की उस पर चेक कर सकते हो कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कहाँ तक पहुँचा है। अब दोस्तों, जैसे ही आपका ये डिस्पैच हो जाए ना,
तो आपको अपने जो पोस्ट ऑफिस है आपका, वहाँ पे आपको विजिट करना है और उनसे बोल देना है कि सर मेरी एक पोस्ट आएगी, इस नाम से पोस्ट आएगी और उस पर ये एड्रेस मेंशन रहेगा, तो जब भी ये आए तो मेरे एड्रेस पे भिजवा देना, ये मेरा एड्रेस है इस पे भिजवा देना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको ये पोस्ट ऑफिस वाले जो बंदे होते हैं ना, जो पोस्टमैन होते हैं, उनको अगर कुछ भी मिस्टेक लगती है ना, अगर कुछ गलत लगता है तो वो रिटर्न भी कर देते हैं, आपकी जो डाक है उसको रिटर्न कर देते हैं, इसलिए उनको पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और उसके बाद जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाए, तो उसके बाद अगर जब तक आप को कोई दिक्कत नहीं है उसी एड्रेस पे, तो तब तक आप उसको चला सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एड्रेस चेंज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एड्रेस चेंज के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और गेट डीएल डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट और आरटीओ सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट आरटीओ से आप अप्लाई करना चाहते हो, और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो कि आप अपने उसमें किस तरीके से करेक्शन, यानी अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो, आप सर्च करोगे ना इसमें यूट्यूब पे भी एड्रेस चेंज इन डीएल, इस तरीके से आप सर्च करोगे सबसे ऊपर वीडियो आपको दिख जाएगी, ये वाली एड्रेस चेंज इन ड्राइविंग लाइसेंस। इस पर क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस किस तरीके से चेंज कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है, उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिए। और जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की बात करूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड मैंने 151 वीडियो अपलोड कर रखी है, वही व्हीकल रिलेटेड 112 वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।